आज हिमाचल प्रदेश में दो बसों के एक्सीडेंट हुए हैं। एक बस तो लगभग 12:15 बजे सोलन जिला के साधुपुल के पास, जो बस जुनगा से दिल्ली की ओर जा रही थी और वो टूरिस्ट बस थी, तो साधुपुल के पास वो खाई में जाके गिरी और जिसमें 21 लोग सवार थे और 5 लोग जो तो गंभीर रूप से घायल हैं उनको आईजीएमसी शिमला के लिए भेज दिया गया है और वहाँ पर दाखिल किया गया है, और बाकी लोगों को भी चोटें आई हैं और वो सोलन अस्पताल इत्यादि में इलाज चला है। और दूसरी दुर्घटना 3:30 और 4 बजे के मध्य में रेणुका तहसील के पास, एक गांव के पास, वो पुल से नीचे गिर गई। और जहां तक यानी कि अभी जो कहा जा रहा है कि ड्राइवर तेज भी था और स्टीरियो को भी छेड़खानी कर रहा था, और उसके साथ ये कि अब दुर्घटना हुई और जिसके कारण से 9 लोग अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते ही उनकी मृत्यु हो गई। और उस बस में लगभग 51 या 52 लोग थे, और यानी 9 लोग तो यानी कि मृत्यु हो गई, और बाकी जो घायल हैं कुछ लोगों को पीजीआई ले जाया गया है, कुछ का नाहन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अब ये सारी की सारी लेकिन ये कि बहुत दुखद घटना है और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना बहुत आवश्यक है। अब सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन कुल मिला के समाज को भी इस मामले में जागृत करने की आवश्यकता है। सर, क्या इस पर एक्शन लिया जाए सर? क्योंकि देखा जाता है कि आम पर जो हाथ से जो स्टीरियो वगैरह इस तरह होते हैं सर, क्या इन पे बैन लगना जरूरी है सर? निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन तब भी लोग इस प्रकार की अनुशासनहीनता या ऐसे जो कानून को तोड़ते हैं, तो हम और ज्यादा इस पर सख्ती बरतेंगे। और ऐसी जो बसें जो बार बार यानी के जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ऐसी बसों को अगर बंद भी करना पड़े तो हम उसको बंद भी कर देंगे।